मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसका आगाज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए किया। इस दौरान भोपाल में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। गडकरी के संबोधन से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोदी सरकार के फैसलों का बखान करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र दिया है उससे देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को तबाह बर्बाद किया है। कांग्रेस खजाना खाली होने का रोना रोती रही, हमने आने के बाद 26,000 करोड़ रुपए बांटे। पूर्व सीएम कमलनाथ, दादा क्या इतना गेहूं खरीद पाते जितना बीजेपी सरकार ने खरीदा। आज मध्य प्रदेश गेहूं खरीद में नंबर वन है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा, हम टेक्नोलॉजी के कारण दूर होकर भी साथ हैं, टेक्नोलॉजी का कारण नरेंद्र मोदी हैं। नितिन गडकरी ने कहा, कार्यकर्ताओं ने विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा, कार्यकर्ताओं की विचारधारा थी देश को मजबूत बनाएंगे, समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा उसको भी हम मदद और उसकी हम सेवा करेंगे।